बचकर लौटे पीएम मोदी के खिलाफ खूनी साजिश हैशटैग जिंदा बचे पीएम। पंजाब में मोदी की जान जा सकती थी, पंजाब से जिंदा कैसे लौटे मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी की जान कौन लेना चाहता है। मोदी के वो खौफनाक 20 मिनट। जिंदा हूँ मैं जब खतरे में थे पीएम। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें न केवल पूरे देश बल्कि विदेशों में भी वायरल हुई। अपनी राजनीति के लिए बीजेपी ने पूरी दुनिया में देश की खूब बेइज्जती कराई। बीजेपी और खुद मोदी जी के मुताबिक वो अपने ही देश के एक राज्य में खतरे में पड़ गए थे। बीजेपी ने पूरी दुनिया में ये मैसेज दिया कि हमारे देश के अपने लोग अपने प्रधानमंत्री को मारना चाहते हैं और हमारे जवान हमारी पुलिस उनकी रक्षा नहीं कर सकती। और ये संदेश पूरी दुनिया में बीजेपी ने सिर्फ अपनी गंदी राजनीति के लिए दिया। पूरी दुनिया में जानबूझकर भारत की थूथू कराई गई और इस झूठ में मोदी जी का साथ दिया हमारी बिकी हुई मीडिया ने। नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैं बड़ी स्पष्टता से बोल रहा हूं, खूनी साजिश हुई है आज और इस खूनी साजिश का बड़ा पर्दाफाश मैं करूंगा आज। जिंदा बच गए प्रधानमंत्री, जिंदा बच गए प्रधानमंत्री, जिंदा पंजाब से लौट कर आए प्रधानमंत्री। पीएम की सुरक्षा में कोताही बढ़ती और उनकी जान को खतरा पैदा हो गया था। हम आपको बताएंगे कि इस मृत्यु जाल से नरेंद्र मोदी जिंदा कैसे लौटे। जबकि इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि पीएम की गाड़ी तक नारे लगाते हुए पहुंचे ये लोग भाजपा के थे और इनके हाथ में बीजेपी का ही झंडा था। मोदी साहब पंजाब के फिरोजपुर में मोदी जी की रैली थी, भीड़ नहीं आई, कुर्सियां खाली पड़ी थी। तो प्रधानमंत्री ने खुद ये पूरा नाटक लिखा और उसे परफॉर्म भी किया। हमारी योजना ऐसे नहीं होती, आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं और उस ठीक है, हमारा प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट रहता है, सब चीजें पहले से नहीं बताते हैं, धीरे 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 आपको पता चलता है। ये वो लोग हैं जो चुनाव और राजनीति के लिए पुलवामा में अपने ही जवानों को मरवा देते हैं, अपने देश की बेइज्जती करा देते हैं। इन्हें ना देश से कोई मतलब है, ना उसकी बेइज्जती से कोई मतलब है और ना ही हिंदुत्व से कोई मतलब है। इन्हें बस चुनाव, कुर्सी और उसकी पावर से मतलब है।